होममेड तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये देखिए, दो ब्रेस्ट और दो लेग, यानी कि आपने एक पूरा चिकन लेना है और उसको इस तरीके से काट लेना है, उसके बाद आपने इसमें कट लगाने हैं। कट कैसे लगाने, पहला कट यहां पर ये देखिए इस तरीके से, दूसरा ये, तीन, चार और ये पांच, टोटल पांच कट, थोड़े डिप मारे जैसे कि ये देखिए मैंने डिप लगाया इस तरीके से। उसके बाद लेग, लेग में आपने इस तरीके से मारना, देखिए एक दो तीन, इससे क्या होता है अंदर तक टेस्ट चला जाता है और चिकन आपका जल्दी पक जाता है। और एक यहां पर जॉइंट पे और ये ऐसे आपने कट लगा लेने पूरे चिकन में, और आप मार्केट से चिकन ऐसा कटा कटाया खरीद लें। चिकन काटने के बाद आपने लेना एक डिप बॉल, उसके अंदर ये देखिए चिकन को रख देना है ऐसे जैसे कि मैंने रखा, और आपने इसमें डालना है एक टेबल स्पून सरसों का तेल, एक टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक, दो पिंच इलायची पाउडर, दो पिंच पुदीना पाउडर, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टेबल स्पून लेमन जूस। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने देखिए ऐसे अच्छे से मिक्स कर देना है, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेरिनेट। तो ये करना जरूरी है, आप जब भी चिकन बनाते हैं तंदूरी चिकन या फिर चिकन टिक्का तो फर्स्ट मेरिनेट जरूर करें, तभी आपके चिकन में बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए ऐसे, और ये फर्स्ट मेरिनेट करके आप इसको पूरी रात भी रख सकते हैं, मतलब आपने ये कर दिया तो समझो आपका चिकन बन गया एकदम मस्त। ये देखिए ऐसे करके रखने इसको कम से कम एक घंटा। चिकन ऐसे मेरिनेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके लिए मसाला बनाना है। मसाला बनाने के लिए आपको ना कलर की जरूरत होती है, तो मसाले में कलर कैसे लेना है वो सबसे पहले आपको बताता हूं, वो जरूर करें, कलर ना डालें। उसके लिए आपने एक पैन चढ़ाना है और पैन के अंदर डालना है दो टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी के सरसों का तेल, और इसको अच्छे से गर्म कर लें। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तब आपने क्या करना है, ऐसे एक बॉल में डाल देना है जिसमें आपने मसाला बनाना है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपने इसमें डालना है दो टीस्पून देगी लाल मिर्च पाउडर और इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। अब आप कलर देखिए कितना बेहतरीन आ जाएगा, और एकदम गरम तेल में ना डाल दें, तेल गुनगुना होना चाहिए, इतना आपका हाथ चला जाए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, नहीं तो क्या होगा मिर्ची जल जाएगी और कलर अच्छा होने के बजाय खराब हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें डालना है एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस दो टेबल स्पून, टंगा हुआ दही यानी के हैंग कट चार टेबल स्पून। दही को कैसे हैंग करते हैं इसका वीडियो मैंने बना के बताया हुआ है, आपने नहीं देखा तो आपको लिंक मिलेगा ऊपर आई बटन में। आधा टीस्पून नमक, आधे से आधा टीस्पून काला नमक, एक टीस्पून कसूरी मेथी, एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून जीरा पाउडर और ये पुदीना पाउडर इसमें भी जरूर डालें दो पिंच, मजा आता है, मेरा फेवरेट है। अगर आप पुदीना पाउडर डालेंगे तो आपका तंदूरी चिकन सारे लोगों से अलग बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे मिक्स कर लेना है, ये देखिए इससे क्या होता है कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, और ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप घर में बना रहे हैं, इसी से बहुत ही बढ़िया आपका चिकन बन जाएगा। ऐसे मिक्स करने के बाद आपने एक बार इसको टेस्ट कर लेना है, सच बता रहा हूँ बहुत ही मस्त है। अगर आपको कुछ कम लगे आपके टेस्ट के हिसाब से तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अब आपने इस मसाले के अंदर चिकन डाल देना है जो हमने मेरिनेट करके रखा था, देखिए ऐसे, और अच्छी तरीके से मसाला लगा लेना है, बहुत ही बढ़िया, देखिए मजा आ गया, चटकारे आ गए मुंह में, ये देखिए। अब आपने इसको रख देना है कम से कम एक घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, और इस एक घंटे में करना क्या है आपने वो आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं सिगड़ी में कोयला डाल रहा हूं, आप लोग के बहुत सारे डिमांड था, कमेंट थे कि साहब आप बताइए अगर हमारे घर में तंदूर ना हो तो हम तंदूरी चिकन कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं
सिगड़ी में तंदूरी चिकन कैसे बनाएं, मतलब विदाउट तंदूर तंदूरी चिकन की रेसिपी, और आप इसको होममेड तंदूरी चिकन भी बोल सकते हैं, लेकिन टेस्ट पूरा आएगा होटल वाला। अब आपने लेना एक फ्यूल का डब्बा और इसको ऐसे उल्टी नाइफ से खोल लेना, ये देखिए इस तरीके से, और जो सिगड़ी में कोयला डाल के रखा था इसमें ऐसे डाल देना है, देखिए, और इसमें लगा देनी है आग, मतलब जब तक आपका एक घंटा होएगा तब तक आपने कोयले जला लेने हैं। ये देखिए ये फ्यूल होता है, ये फटाक से आग पकड़ लेता है, तो आपने आग लगा देनी है और आराम से जलने देना है। तब तक क्या होगा, आपका चिकन अच्छे से मेरीनेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कोयले जल चुके हैं, तो आपने क्या करना है, अभी इसमें तंदूरी चिकन सेकना नहीं है, पहले ऐसे अच्छे से इसको झाड़ लेना है, क्योंकि यहां से नीचे हो जाए, तो ऐसे झाड़ लें और थोड़ा जलाएं, मतलब थोड़े थोड़े बुझने लगे, उसके बाद हमने चिकन को पकाना है। अगर आप इतने ज्यादा गर्म कोयलों में तंदूरी चिकन पकाएंगे तो क्या होगा, आपका चिकन कच्चा रह जाएगा और बराबर पकेगा नहीं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कोयले एक साइड में इकट्ठे कर लें और एक साइड में एकदम हल्के कर लें, ये देखिए इस तरीके से सिगड़ी में इस तरीके से पकाते हैं। कोयले आपने ज्यादा एक साइड पे कर लिए इकट्ठे और यहाँ पर कम कर लिए, देखिए एक साइड में। तो क्या करना है, आपने आपको दिखाता हूँ, पहले ऐसे सेट करना है, सेट करने के बाद आपने सभी में कपड़ा मार के साफ कर लेना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। सिगड़ी में काम करना बहुत ही मुश्किल है, अभी अभी मुझे पता चल रहा है, मतलब बहुत मुश्किल बोले तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि ये जो आंच है ना सीधी आपके चेहरे पे लगती है, तो अगर हो सके इसको थोड़ा सा डाउन रखें ताकि आपके चेहरे पे सीधी आंच ना लगे। मतलब जो लोग सिगड़ी में काम करते हैं सलूट है उनको, तंदूर से कई गुना ज्यादा ये गर्म है क्योंकि आग सीधी मुंह पे लगती है। तो पहले आपने साफ सफाई करके सेट कर लेना है, उसके बाद चिकन इसमें सेकना है। चिकन बहुत ही बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो चुका है, मतलब मसाले इसके अंदर तक घुस गए, क्यों, क्योंकि इसको अच्छा खासा टाइम मिल गया है। हमने सिगड़ी जलाई, साफ सफाई की, और देखिए सीख साफ की, और दो तरह की सीख होती है, एक ये चौरस और एक ये फ्लैट, आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो फ्लैट है ना ये होती है कबाब के लिए, लेकिन आप इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें लगा लें। मैं दोनों में लगाऊंगा, दो पीस चौरस में, दो पीस फ्लैट में। कैसे लगाने हैं आपको दिखाता हूं। लगाने का तरीका क्या है, आपने देखिए ऐसे उठाया और इस तरीके से देखिए ऐसे यहां से ऐसे लगा लेना, देख रहे ना इस तरीके से लगा के, क्या करना है आपने ऐसे सीधे यहां पर रख देना है, देखिए ऐसे। उसके बाद एक पीस मैं फ्लैट में भी लगा देता हूं ताकि जो भी सीख हो आपको आसानी हो जाए, देखिए ऐसे सीधा ऐसे लगा देना, ये देखिए ये ऐसे पक जाएगा, इसको भी रख देना है, ये देखिए इसके अंदर। अब आप नीचे टेम्परेचर देख रहे हैं, एकदम हल्का है, ऐसे ही हल्का टेम्परेचर होना चाहिए। और ये है लेग, तो लेग आपने ऐसे देखिए सीधा यहां से और ये हड्डी के अंदर से निकालना है ताकि रुका रहे, घूमे ना, इस चीज का रखना है ध्यान। ये देखिए ऐसे इस तरीके से लगाना है लेग आपने, देखे ना। तो मैं दोनों लेग पहले लगा लेता हूँ, फिर एक साथ ही रखूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे क्या शेफ भी टाइम पास कर रहा है, बार बार इधर उधर जा रहा है। देखिए ऐसे अच्छे से लगा लेना है, देखिए उसके बाद थोड़ा सा मसाला लगाएं और ऐसे रख देना है। अब आप ये देख रहे ना आग यहाँ पर है, यहाँ बुझा बुझा है, तो इस आग से आपने दिखा दिखा के सेकना है इसको, आराम से सेकने दें। टाइम कितना लगा बाद में बताऊंगा, अभी सेकते हैं आराम से। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, चिकन घुमा के, देखिए बढ़िया कलर आया, ये देखिए इसमें भी बढ़िया कलर आ चुका है, ये सबसे पहले हमने डाला था, अब ये देखिए इसमें भी कलर आ गया, और ये देखिए इसमें कितना ज्यादा कलर आया, क्यों, क्योंकि कोयले यहां पर हैं, इसीलिए कोयले को और साइड में कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, आपने बिल्कुल नीचे कोयले बुझा लेने, मतलब कहीं कहीं आग होना चाहिए, कहीं कहीं एकदम ऐसे बुझे हुए कोयले होना चाहिए बस, तभी आपका तंदूरी चिकन अच्छे से गल पाएगा।
अगर आप फास्ट कोयले में रखेंगे तो क्या होगा, चिकन जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, तो इनको दूर कर दूंगा थोड़ी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे आपने चिकन को पकाना है बहुत ही ध्यान से, मतलब जलना नहीं चाहिए और अच्छे से गल भी जाए। देख रहे हैं आप चिकन कितनी बढ़िया तरीके से पक रहा है। जब आपका चिकन भी ऐसे पकने लगेगा बढ़िया तरीके से, तब आपने इस पे ऐसे लगाना है बटर या फिर देसी घी। अब और भी अच्छी तरीके से चिकन पकेगा, मतलब स्वाद की कोई हद नहीं होगी, तो ऐसा आपने जरूर करना है। और इससे क्या होगा, बहुत ही बढ़िया स्मोक का फ्लेवर भी आ जाएगा, देख रहे ना आप। तो आपने ऐसे बटर लगा के जरूर पकाना है। अब ये देखिए चिकन बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है, एकदम बढ़िया से जैसा कि हमें चाहिए था, और इसका कलर भी बहुत ही जबरदस्त आया, देख रहे हैं आप कितना मस्त कलर है। तो अब मैंने इसको कितनी देर पकाया है वो भी आपको बता देता हूं। तो मैंने इसको 15 से 16 मिनट पकाया है आराम से, ऐसे स्लो टेम्परेचर में। तो आपने भी ऐसे ही पकाना है, जला ना दे, फिर से बता रहा हूं। और अब मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूं कि कितना बढ़िया हुआ है, देखें देख रहे ना, एकदम जबरदस्त चिकन हो चुका है बढ़िया खुशबू के साथ। अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, मैंने बहुत ही गर्मी में बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। देख रहे ना आप क्या जबरदस्त चिकन हुआ है। तो ऐसे आपने उठाना है यहाँ से और आगे से सीख को ऐसे साफ कर लेना है, और ये देखिए इस तरीके से निकाल के प्लेट में रख लेना है। एकदम गर्म है, जबरदस्त, मतलब मजा ही आ जाने वाला है आपको, कितना मजा आएगा बता नहीं सकता। और अगर सीख गर्म है तो आप ऐसे पकड़ लें कपड़े से, देखिए बहुत ही लाजवाब, मुंह में पानी आने वाली रेसिपी बन चुकी है, देखिए शानदार। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर लेमन छिड़कना है, देखिए, और ये चाट मसाला, और ये है पिका। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।